Hey guys, welcome to my channel. So guys, SBI PMMS 2021 is over and this video is about the GA question asked in today's exam. So guys, सबसे पहले तो GA level की बात करूंगा मैं questions की. तो यार काफी difficult level पूछा गया था. Maximum जो आपसे question पूछे गए थे वो आपसे या तो option based question पूछे गए थे या तो आपसे figures पूछे गए थे और कुछ skill based question पूछे गए थे. बाकी without wasting any time, let's start. एक क्वेश्चन था आपका, हन्ना संधू वॉन विच एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स. हन्ना संधू ने कौन सा एडिशन जीता है मिस यूनिवर्स का? तो ये था 70th एडिशन. एक क्वेश्चन आपसे था, फिडे चैंपियनशिप वॉज वॉन बाय हुम? तो इसका आंसर था मैग्नस कार्लसन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल इन ऑटोबायोग्राफी ऑन विच लेजेंड 10th लेजेंड. ये आपकी ऑल इन वन जो ऑटोग्राफी बायोग्राफी है ये आपकी किस 10th लेजेंड के मतलब ऊपर है? तो इसका आंसर था बिली जीन किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एफडीआई परसेंटेज इन इंडियन डिफेंस सेक्टर? तो इसका आंसर है आपका 74%. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेयर ऑफ एसबीआई इन जियो पेमेंट बैंक? इसका आंसर है आपका 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? इसका आंसर मुझे पता नहीं है, मतलब मैं करेक्ट नहीं कर पाया. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांतास ब्रांड इंडिया रिपोर्ट टॉप बाय विच ब्रांड? इसका आंसर है आपका एशियन पेंट एंड टाटा टी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद बैंक इज मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका आंसर था आपका विजय बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंट्रल रिसीप्ट प्रोसेस सेंटर इज सेट अप एट विच प्लेस? इसका आंसर आपका आरबीआई चंडीगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच कॉम्बेट इज टू पास ऑन दिसंबर 2021? मतलब ये पूछा गया था आपका कि ये कौन सा कॉम्बेट पास हो रहा है 2021 में दिसंबर में? तो इसका आंसर था आपका कॉमेट लियोनार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओमनिक्रो इज व्हाट लेटर इन ग्रीक अल्फाबेट? मतलब ओमनिक्रोन जो है मतलब कौन से लेटर में आता है ग्रीक अल्फाबेट में? तो आपका ऑप्शन दिए गए थे 21, 15, 10, 12. उसका आंसर था आपका 15. एक क्वेश्चन था आपका, फ्रांस वेस्टर्न कंट्री डिस्प्यूट ऑन व्हाट? मतलब किस फ्रांस और वेस्टर्न कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है आजकल वो किसको लेके चल रहा है? उसका आंसर था आपका फाइटर जेट, जो उनकी रफेल की जो डील कैंसिल हुई थी आई थिंक उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन था आपका, वर्ल्ड बैंक आम जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है ऑलमोस्ट नेगलिजिबल रेट. तो इसका आंसर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. इसका आंसर या तो IBRD था या तो IFC था. आई थिंक 1960 में जो बनी है तो 60 के अराउंड तो कोई भी नहीं बनी, IFC बनी है 1956 के अराउंड. आई डोंट नो, इसका आंसर IBRD भी होता है IFC भी होता है. बाकी एक क्वेश्चन था आपका, रॉयल मेडल वॉज गिवन टू बालकृष्ण दोषी बाय विच कंट्री? मतलब किस कंट्री ने इनको दिया है? ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है अवार्ड ये रॉयल मेडल. तो ये कंट्री ये दिया आपका ब्रिटेन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, RBI कमेटी टू हेल्प विद COVID-19 स्ट्रेस एसेट? तो इसका आंसर था आपका केवी कमाल कमेटी थी जिन्होंने जो ये कमेटी के हेड थे. एक क्वेश्चन था आपका, डेमन गलगट वॉन बुक ऑफ प्राइज फॉर विच नॉवल? तो इसका आंसर था आपका द प्रॉमिस. एक क्वेश्चन था आपका, ASCM मीटिंग वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? ये वर्चुअली होस्ट की गई थी, आई थिंक कंबोडिया ने लॉन्च करी है. बाकी एक क्वेश्चन था आपका, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च विच स्कीम? इसका आंसर था आपका शी द चेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, RBI इंक्रीज IMPS लिमिट टू व्हाट? तो इसका आंसर था आपको 2 to 5 lakh. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नवंबर 2021 WPI वॉज 14.23, इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ फॉर हाउ मेनी ईयर्स? मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 14.23 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब कितने कितना WPI था. अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि कितने कितना टाइम हाई चल रहा है, 12 ईयर हाई है इसका. मतलब एलोन मस्क पर्सन ऑफ द ईयर बाय विच मैगजीन? इसका आंसर था आपका टाइम मैगजीन ने मतलब पर्सन ऑफ द ईयर दिया है एलोन मस्क को. एयरटेल लॉन्च स्टार्टअप इनोवेशन विद विच कंपनी? या आई डोंट नो कंपनी आएगी क्या, यह है इन्वेस्ट इंडिया. बाकी एक क्वेश्चन था आपका, मैक्सिमम असिस्टेंट फॉर मेजर क्लस्टर फॉर ओवर 500 आर्टिजन इन फूड स्कीम? इसका आंसर था आपका 3 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली विच कंपनी चेंज इट्स नेम टू ब्लिंकिट? इसका आंसर था आपका ग्रॉफर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका सेंसस पे बेस्ड था 2011 में, आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बताना था कि वही 1 और 2, 1, 2 और 3 ऐसे करके आंसर वो ऑप्शन थे. एक क्वेश्चन आपका, सीईओ ऑफ कंपनी, उसमें मैथ दो कॉलम वाले क्वेश्चन थे, उसमें आई थिंक सीईओ सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ था और अल्फाबेट का आई थिंक सुंदर पिचाई, इनको मैच करना था.
एक क्वेश्चन आपका स्किल इंडिया मिशन पे दिया गया था, तो भी सेम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन में पूछा गया था, उसके वो भी सेम ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका पीएम मित्र स्कीम में सेम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 47 पे रामसर साइट, इसमें भी तीन ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको बताना था कौन सा गलत है, आई आई गेस ये बताना था। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू जीडीपी स्टैट में आपसे पूछा गया था कि कोई स्टैट दिया गया था, उसमें आई गेस एनएसओ का स्टैट था, यानी किसका स्टैट था, बट वो ऐसे करीब क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर एमएसएमई स्कीम, आई डोंट नो मतलब कौन सी स्कीम है, बट ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे एमएमएफ स्टैंड फॉर, मुझे मैं ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, बट एमएमएफ पर के एक मतलब था कुछ उतना याद है। बाकी एक क्वेश्चन आपका स्टार हेल्थ आईपीओ पे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका 7th शेड्यूल पे पूछा गया था, विच वन ऑफ दीज नॉट इन अंडर 7th शेड्यूल ऑफ स्टेट लिस्ट, तो कुछ क्वेश्चन था, और मैं आपसे 4-5 ऑप्शन दिए थे, फिशरीज और टैक्स वगैरह करके कुछ क्वेश्चन थे मुझे, मतलब ऐसे कुछ याद है मुझे यहाँ तक, बट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाकी एक क्वेश्चन आपका था पी एम ए वाई जी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना आई गेस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, उसमें आपसे ऑप्शन दिए गए थे बहुत सारे, तो मैं आपको बताता हूँ आंसर कौन सा है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।